वैष्णवी चौधरी, आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। बॉलीवुड की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। अब सच देखेगा इंडिया। आज मेरे साथ कॉमेडियन बादशाह, जो हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं और धमाल भी मचाते हैं, ऐसे कॉमेडी एक्टर मेरे साथ मौजूद है, सुनील पाल। सुनील पाल जी, बोल इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बोल इंडिया न्यूज के तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, सुनील पाल का नमस्कार। आप सबने मुझे आने का मौका दिया, आभारी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकालकर बोल इंडिया के स्टूडियो पे आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपके लिए तो आना ही पड़ेगा, टाइम ही आपका चल रहा है, सब आपके लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी आप, दिल्ली में भी आप और आपकी सरकार आई है। दिल्ली में आप, पहले दिल्ली, दिल में तुम था, दिल में हो तुम, अब दिल्ली में आप, राजनीति में आप, सब तरफ है आप ही आप, बन गया है चुनाव का और वोटिंग का सबका बाप। आपसे याद आया, आपको याद है अमित शाह भी जब कैंपेन में जाते थे, वहां की महिला भी कहती थी हम आपको ही वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयत्न किया है, सब दिया है, सबके साथ में विश्वास मत के साथ में कार्य किया है, लेकिन किंतु परंतु जो हमें जनादेश मिला है, वो जो आदेश मिला है उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली वाले जो है मेरे घर की तरह है, पूरा दिल्ली मेरा घर जैसा है, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। तो हम आपको ही वोट देंगे और आपको ही दिया और आपकी ही सरकार आ गई। जी देखिए, क्या है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में ये वादा किया था दिल्ली वासियों से, मेरा वादा ही जी कि मैं 2015 में से लेकर 20 तक, इन 5 सालों में मैं दिल्ली से बिजली फ्री कर दूंगा जी, जल फ्री कर दूंगा जी, प्रदूषण फ्री कर दूंगा जी। तो मैंने बिजली, जल, प्रदूषण, बीजेपी फ्री कर दिया जी। नमस्कार जी। और हमारे कांग्रेस वालों को तो खैर 0-0-0 मिला है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ हमारे कॉमेडी के गुरु राहुल गांधी जी को। कॉमेडी के गुरु राहुल गांधी जी, मैंने आपको गुरु भी मान चुका हूँ। कॉमेडी में पूरी दुनिया को बहुत पसंद करे, क्योंकि हंसते हंसाते भाई मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। पॉजिटिव रिव्यू करता हूँ कि हर व्यक्ति वही होता है जो लोगों को हंसे हंसाए। और राहुल गांधी जी ने कहा कि भैया अब सही मामले में हम सही नतीजे पहुंचे जी, अब हमें जीरो मिला है, अब हम जीरो से हीरो बनेंगे। अब बीच में कन्फ्यूजन था, अब कन्फ्यूजन खत्म हो गया जी, हम जीरो से हीरो बनेंगे, क्योंकि जीरो से ही शुरुआत होती है। जब जीरो दिया भारत ने दुनिया में, तब गिनती आई, तो जीरो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद गिनती शुरू होती है जी, अब मेरी तरक्की की सीढ़ी शुरू हो गई जी। और बोले ये जो बीजेपी को वोट नहीं मिला, देखिए दिल्ली की जनता ने सोच लिया था जी कि काले चोर को वोट देंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे, तो फिर आपको नहीं दिया। नहीं देखिए, ना तो मैं काला हूँ ना चोर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको वोट मिला है ये जिसको वो काले है चोर है, बस एक कहावत है जी। अब मैं फंसाने के लिए बोल रहा हूँ जी, बस फंसाने के लिए नहीं। वैसे फंसाते भी तो बहुत हैं आप, कभी कभी राहुल जी को पप्पू भी बोल दिया जाता है सोशल मीडिया पर। हाँ पप्पू बोलो तो होता कि लाडला है, देश का बहुत लाडला है, देख के हंसी आ जाती है। अब देखिए ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी जीतने से बीजेपी वाले परेशान हो गए, मनोज तिवारी मुझे मिल गए थे जी, मनोज जी आपने ट्वीट किया था कि 45 सीटें तो हमको पक्का मिलेगी, ये मेरा ट्वीट संभाल के रखना। कल तक भी, मॉर्निंग तक भी बोलते आ रहे थे। ट्वीट कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया और सबको बोला कि मेरा ट्वीट संभाल के रखना। और वाकई एग्जिट पोल जो है, अब मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, वाकई एग्जिट पोल जो है मनोज तिवारी के पक्ष में आई है, उनकी एग्जिट भी होगी, उनका पोल भी खुल गया, और पोल ये है कि रिंकी के पापा वही है। ओ रिंकी के पापा वही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, वो कह रहे हैं मित्रा भले अरविंद जीता है लेकिन साहित्य में, संस्कृत में अरविंद का मतलब कमल होता है, यानी कमल, कमल ही जीता है मित्र, कमल उनके नाम में कमल था बल्कि इसलिए वो जीता है, अगर उनके नाम में कुछ और होता तो नहीं जीत पाता मित्र। यानी कहने का मतलब ये जो अभी तक सामने आ रहा था शाहीन बाग, एनआरसी, सीए, सब हार गए, कमल तो शाहीन बाग वाले तो उल्टा आप अफसोस मना रहे हैं, बीजेपी जीत जाती तो खुश खुश होते हो, लेकिन हम अफसोस मना रहे हैं, क्योंकि अब शाहीन बाग वाले अपने घर जाएंगे,
उनको अब एक ही पार्टी मिलेगी, आम आदमी पार्टी। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरे जीतने से धर्म की जीत हुई जी, धर्म की जीत हुई। हनुमान चालीसा पढ़कर गया था मैं, और पहले से ही अनुमान था कि मुझे जितवाएगा हनुमान। और चालीसा मतलब मैं चाली में जाता हूँ, घर घर की लोगों को, गरीबों को देखता हूँ, तो चालीसा मैं खुद भी चालीसा हूँ। चालीसा मतलब चाली के लोगों को मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाए थे, तो चाली से मेरा जुड़ा हुआ। तो मैं चालीसा और हनुमान मेरे साथ में थे, तो धर्म की भी जीत हुई है, क्योंकि आज मेरा धर्म पत्नी का जन्मदिन है जी। उनकी पत्नी का जन्मदिन भी आज ही है, तो ये जो 11 तारीख है वो एक और एक 11 जो है, एक वो खुद है और उनकी पत्नी है, तो एक और 11, एक और एक 11 हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म पत्नी का जीतना इसका मतलब ये है, धर्म पत्नी का बर्थडे होना है, इसका मतलब कि धर्म की भी जीत है। कहा जाता है ना कि हर आदमी के पीछे अगर जीत होती है तो एक महिला। हाँ, एक तरह से मोदी लहर जो छाई हुई थी। हाँ, अब दिल्ली में जो है केजरीवाल लहर छा गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले भी इस चीज को हंस हंस के स्वीकार कर रहे हैं। 15 में भी तो मोदी लहर थी, लेकिन फिर भी केजरीवाल अपनी लहर के साथ लहरे। हाँ, 15 में भी थी, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी जीती थी। इन शॉर्ट यही है कि जनादेश सबसे बड़ा होता है। दिल्ली वाले के दिल में जो था, दिल्ली वालों ने दिल की बात सुनी, मन की बात नहीं सुनी। ओहो, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मन की बात कब सुनेंगे? मन की बात तो मनोज तिवारी बोल रहे थे कि हनुमान के लिए मंदिर पे आप जा रहे हैं, वही हाथ से आप जूता भी उतार रहे हैं, वही हाथ से आप माला भी चढ़ा रहे हैं। 11 तारीख को हनुमान जी बता देंगे जी। हनुमान जी को बता दिया, मनोज तिवारी को बता दिया। अच्छा, असल में क्या है कि अब मनोज तिवारी जी का मैं समझ नहीं पा रहा कि अब उनका क्या होगा। मन से और नोज से बात करते थे, जो भी बोलते थे मन से बोलते थे और नोज से बोलते थे, आपको पता नाक से बात करते थे, अब उनके नाक भी कट गई है, और दिल्ली वाले दिल की बात करते मन की बात करते थे, तो मन और नोज का होगा क्या? जो लाइन आप बोल दीजिए उनके लिए लाइन। कानवा में सोने वाली जुड़ा में लगा के जाली, चाल चले ली मत वाली, बहुत गजब है दिल्ली वाली, वोटिंग हो गई दिल्ली वाली, आम आदमी छा गई इन दिल्ली वाली। तो दिल्ली में जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल है, अलग माहौल है, लेकिन एक कलाकार होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। कोई भी पार्टी आती, बीजेपी आती, कांग्रेस आती, आम आदमी पार्टी आती, या कोई भी पार्टी आती, सबको दिल्ली के मसाइल पर काम करना चाहिए, उनको उनके तरक्की के लिए उनको जो जो चीज़ ज़रूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए, और बस करप्शन फ्री करें, वाईफाई फ्री करें, CCTV लगाए दिल्ली में, जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और देश और दुनिया में जो हो रहा है वो भी कम हो। और मैं चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। यस, धन्यवाद। इतनी चीज़ फ्री की है, बाकी भी और चीज़ फ्री कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली का दिल जीत नहीं पा रहा हूँ। सुनील पाल जी आपके पास आपकी दावत पे बिल्कुल आ जाएंगे, लबैक कहने के लिए बिल्कुल हाजिर रहते हैं हमेशा। जिस तरीके से हमने कॉल लगाया कि आज आपकी पार्टी जीत गई है, यानी अरविंद केजरीवाल आप पार्टी जीत दिल्ली में आम आदमी जीतेगी, इस बात का अनुमान था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी, इस बात का अनुमान था, क्योंकि उनके पास राम भक्त हनुमान था।